आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समचतुर्भुज पर आधारित उदाहरण देखा। आज हम वर्ग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यदि ABCD एक वर्ग है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वीडियो को रोकें और स्वयं प्रयास करें। हमें दिया गया है कि ये एक वर्ग है और हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर माप की तथा सभी कोण समकोण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भुजाएं AB व BC बराबर माप की हैं, जिससे हमें एक चर में रैखिक समीकरण मिल जाती है, जिसे आगे हल करने पर हमें x का मान 4 मिलता है, जिसे भुजाओं AB व BC के दिए गए मानों में प्रतिस्थापित कर हम भुजाओं की सही माप ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 19 सेंटीमीटर है। और चूंकि ये एक वर्ग है, इसलिए प्रत्येक भुजा की माप 19 सेंटीमीटर है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि त्रिभुज BCD है, जिसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पर इसमें किस भुजा को आधार और किसे ऊंचाई मानेंगे? चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम समकोण बनाने वाली किसी भी भुजा को आधार और दूसरी को ऊंचाई मान गणना कर सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस तरह हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 180.5 वर्ग सेंटीमीटर है। आज इस वीडियो में हमने वर्ग पर आधारित प्रश्न देखा।